तो हेलो जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ सेवा, जोहार संगवारी, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज ये मोहल्ला में हम हैं, ये हॉस्टल में रुके रहे हैं। आए हम तो दिखा रहे हैं तुम मतलब ये हॉस्टल बालक छात्रावास। और अभी मैं निकलने वाला हूँ अपन बालोद साइड में, बालोद जिला में, यहाँ से मैं जाता हूँ। और यहाँ मंदिर वंदिर घूमे लेकिन वीडियो वीडियो नहीं बनाया हूँ। अभी मैं यातायात पुलिस भाग है, वहाँ कुछ कार्यक्रम वहाँ जाता हूँ। और अभी ना आप मतलब देखा हूँ एक कैरियर देखा था, वही कैरियर ला भाई। यहाँ एक दादा है जो अपन नाम ना तो बुला गए, मन लोकल साइकिलिंग ग्रुप है, जो पहले एक बाद वीडियो में देखे हुई वो दादा मन अपन तरफ लगाए हैं। अपन के लिए निकाल के मोटरसाइकिल लगा दें, काबर मोर वाला साइकिल कैरियर है, दिक्कत करते रही बहुत, तो ये कैरियर लग कर दें। तो धन्यवाद आप सभी जनला जो मोहला साइकिलिंग राइडिंग राइडर ग्रुप है, मतलब ये वाला करियर दे। ये वाला करियर में जब डिकैथलॉन में गए हो तो नहीं मिलीस ना, वो करियर मैं जुगाड़ में लगा रहे, तभी फिट है, बस सर्विसिंग करवाना है साइकिल ला। तो अभी निकलथन चलो यहाँ से। ये दे बाबू मन अभी सब स्कूल चले गए हैं भाई, अभी निकलथन हमन सीधा वो कार्यक्रम में, उसके बाद बात वहाँ से। करें ठीक योगेश है मरकाम की, उनकी उपलब्धियों को बताने से पहले योगेश मरकाम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि आप सभी बच्चे बड़े ही ध्यान पूर्वक देख ले, इनके सिर में क्या है? हेलमेट। किस चीज को चलाने का हेलमेट है बताइए? साइकिल। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होंगे, साइकिल राइडर। बहुत ही सुंदर बात, आप लोग समझदार हैं, सभी बच्चे यातायात के नियमों से परिचित हैं। लीजिए, जो योगेश मरकाम जी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में साइकिलिंग कर यात्रा कर रहे हैं, और ये मूल निवासी धमतरी जिले से हैं, और हमारे जिला मोहला मानपुर का सफर तय करने के पश्चात बालोद जिला की ओर अपनी गंतव्य बनाने जा रहे हैं। हम सब बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी है, प्रेरणा स्रोत है। तो मरकाम जी से निवेदन करूं, अपनी जो सफर है, जो यात्रा है, उनके अनुभवों को हमारे स्कूली बच्चों और स्काउट गाइड के बच्चे, साथ ही साथ हम सब के बीच में रखने का प्रयास करें। मरकाम जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने हमारे बच्चे और पुलिस विभाग से सर लोग हैं और हमारे दादा लोग हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे दो शब्द बोलने का मौका दिया। वैसे आप लोग मेरे को तो नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ, और आप लोग भी मेरे से सभी लोग रूबरू फर्स्ट टाइम हो रहे हो। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है और मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव ग्राम लिकमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूं। और पेशे से मैं एक साइकिलिस्ट हूं, 2022 से मैं साइकिलिंग स्टार्ट किया हूं। साइकिलिंग में क्यों स्टार्ट किया हूं, पर्यावरण को बचाने के लिए। मैं इससे पहले पूरा भारत को घुमा हूं, 29 स्टेट, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा हर राज्य में कैपिटल टू कैपिटल गया हूँ, वहाँ पे लोगों को बताया हूँ कि पर्यावरण को बचाना है, और 17,500 किलोमीटर प्लस साइकिल चलाया हूँ। बता दूँ जैसे कि अभी ट्रैफिक की बात है और मैं हेलमेट लगा के चल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, और इस चीज का सेफ्टी का मैं प्रमाण दे रहा हूँ यहाँ पे सिक्किम में। हम ऑल इंडिया कर रहे थे ना, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ट्रैफिक का नियम ना बहुत तगड़ा है। हम साइकिल में जा रहे थे, साइकिल में बिना हेलमेट के आप साइकिल नहीं चला सकते। यहाँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो नॉर्मल ऐसी भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बिना हेलमेट के साइकिल को जाने नहीं देते हैं, जो बॉर्डर है वहीं पे रोक देंगे आपको, बाइक तो दूर की बात। तो वहाँ ट्रैफिक नियम बहुत तगड़ा है। हम लोग जा रहे थे, 3 लड़के थे, एक जने का हेलमेट नहीं था उसके पास में, तो हम सोचे कि हेलमेट नहीं है तो ऐसे जाएंगे और आगे मिलेंगे, लेकिन जाने नहीं दिए वो बंदे के लिए। हम ऐसा तो हेलमेट नहीं मिला, तो स्कूटी का हेलमेट पहनाए उसके बाद ऊपर लेके जाने दिए, क्योंकि अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। तो ये हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो ट्रैफिक सामने शासन हमें बोल रहे हो, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आज हेलमेट लगा रहा हूँ तो लोगों को ये भी पता चला है कि साइकिलिंग करते समय हेलमेट भी जरूरी है ना, वैसे सुरक्षा बहुत ही जरूरी। यहाँ के आयोजक समिति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इससे आगे और मैं राइड मतलब निकलने वाला हूँ, तो समय मेरे पास नहीं है, और यहाँ से मेरे को 60-70 किलोमीटर अभी और राइड करना है। मैं पर डे का 60-70 और ऑल इंडिया कर रहा था ना, 100 से प्लस साइकिल चलाता हूँ। एक दिन का मेरा रिकॉर्ड है 185 किलोमीटर एक ही दिन साइकिल चलाया हूँ। तो बाकी आप सभी से बहुत बहुत मिल, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, और मैं कुछ गलत बोल दिया होऊंगा तो छोटे भाई या बड़े भाई या छोटे बेटा समझ के माफ कर देना। बाकी मेरा वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की। वर्ष का भ्रमण साइकिल के माध्यम से पूर्ण किए हैं, और अपना अनमोल समय निकाल करके
तो संगवारी हो, अभी मैं निकल गए अपन मोहल्ला से और अभी कार्यक्रम में गए रहे हूँ। अभी यातायात जो ट्रैफिक नियम है कर कार्यक्रम में इसमें बुला रही थे गे रही हूँ। और ये दे बाबा पूरा चलाते आता है मस्त साइकिल, देख उतारे का थे ऊपर आगे में चढ़ाई है पूरा। अब ये है शॉर्टकट रोल है, मोहल्ला से दिल्ली की दूरी है वो चालीस, नाम है विजयपुर। अब ये मोहल्ला मानपुर में, और यहाँ से ना घोटा घोटे टोला जाऊँ मैं, 7 किलोमीटर है घोटे टोला के बाद आगे से मोला मेन रोड मिल जाए घोटे टोला के बाद। और इधर ना सरसों के खेती खेत मन में देखा था मैं आगे गाँव सरसों की खेती वेती दिखाऊँ। और रोड इधर बढ़िया है यार मस्त, डामर रोड पक्की रोड हावे, लेकिन बाइक वाला मन गए कूदाता थे भाई ये देखा था। और अभी जा रहे हैं सेफ्टी वाला बात करते रहे मैं वहाँ जाके, लेकिन यहाँ तो सेफ्टी की पालन ही नहीं हुए है कर भी। तेंदू टोला मतलब यहाँ टोला टोला मतलब क्या होते भाई, टोला टोला ज़्यादा गांव, तेंदू टोला मरका टोला और काय तो टोला, ये सब टोला है टोला है। इला ओला आमा बगीचा है, मोहा पेड़ है, अब ये इधर ए बगल में लगा है ये मटर, ये देखा था ये दे मटर लगाए हैं खेत मन में। अब ये दे ट्रैक्टर जात है, बिजली खम्बा गड़ाए वाला ट्रैक्टर है। अब हमन ला ढलान मिल गए है, मस्त ढलान में जात है, बटरा वटरा भी लगाए भाई। हम घोटा टोला से आगे हैं और ये गांव के नाम है बांधा टोला, बस टोला टोला है भाई ये टोला टोला इस वजह से है पता नहीं बांधा टोला। रोड हरे आगे से आते मतलब सामने से कटे हमें मतलब ये मेन हाईवे हरे, और यहाँ तो अच्छा मस्त रोड बन गया धन भी, और आगे से पुराना रोड है गाते फिर रोड है बढ़िया है चौड़ीकरण हुआ है रोड के। अब यहाँ से वहाँ सामने बोर्ड लगे वहाँ जाके बताता हूँ आप मतलब दिल्ली राजरा कितना किलोमीटर है यहाँ हमारी, वहाँ बोर्ड से पता चलिस कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर हावे ये है अपन दिल्ली राजरा, और बालोद हावे 33 किलोमीटर। देख वेदान देखो ये पूरा रोड मस्त बने, चढ़ाई है लेकिन फिर ढलान। तो संगवारी हो ये कुछ गांव है, गांव में मतलब बीचों बीच गांव रोड बने हैं भाई, और रोड पूरा चौड़ीकरण और ढलान ही कहते आगे में, और यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है अब दिल्ली राजहरा 5 किलोमीटर वही 5-6 किलोमीटर। हाँ मोहल्ला चौक में पहुँचे मानपुर मोहल्ला चौक में, और इधर दिल्ली राजहरा जाते हैं और ये तरफ जाते सीधे दूर बुलाए हुए थे भैया मन मोटरसाइकिल चला के देखा था। अरे आना वापस उधर ही मत रहना। संगवारी हुए है दिल्ली राजरा, स्वागत है आप दिल्ली राजरा में, और हमारा भी शहीद वीर नारायण चौक जाना है। संगवारी गुड इवनिंग आप सभी झनला, और अभी मैं यहाँ कहाँ हूँ बता रहे हैं, मैं वहाँ जाने वाला रही हूँ अपन जो संगठन है वहाँ ओकर तो कल ही दिखाऊँ मैं वो संगठन का है कैसे। अभी मैं यहाँ आए हैं ना मन घूमे बा, ओकर से पहले मैं भाई मेरा मिला था देखा था भाई ये है अपना दोस्तों आप सभी का स्वागत है बालोद मतलब योगेश भाई का स्वागत है बालोद जिला में। यार अभी हम भाई घुमा रहे हैं, अभी भीष्म रथ में है हम लोग, और अभी इसी का भाई हमारे यश भाई है। तो नाम लत बता, नाम सूरज। हाँ ऐसे बोलना पहले नाम ही नहीं बताते हैं, बताएं नाम रखा है दल इनका इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बालोद इको टूरिज्म के को फाउंडर है हमारे सूरज भैया, मालिक मालिक बोलते हैं जिसको कहा नहीं अभी कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या है बालोद डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं रथ हम लोग, अभी बहुत
मुश्किल से बनवाए हैं अभी। अच्छा अभी अभी आप सभी को दिखाएंगे अपने एशिया का सबसे बड़ा रथ, और बहुत वजन है, 90 टन है भाई ये, देखा था, और कैसा बनाए हुए हैं। और ये अर्जुन है, और एक ये क्या बोलते हैं, सॉरी ये कृष्ण है, ये अर्जुन है, और अभी लाइट में चमक रहा है इस पर से नहीं समझ में नहीं आ रहा। रथ के ऊपर खड़े हैं भीष्म जी है, भीष्म पितामह है, और कैसे किस टाइप से बना है वो देख सकते हो आप। अब यहाँ अगर बोलते हैं तो ठीक, पहले वहाँ पर चलते हैं लाइटिंग के सामने। लाइटिंग तो ये जो है ना एक्चुअल भीष्म रथ है, और दल्ली राजहरा में बनाया गया, वेस्ट लोहे से बनाया गया है। अच्छा, वेस्ट दल्ली राजहरा क्या है ना, ये वो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ से पूरा निकलता है लोहा माइंस, यहाँ से पूरा कच्चा लोहा निकलता है, भिलाई स्टील प्लांट में जाके गल के बनता है लोहा, इस टाइप का लोहा। तो ये जो है वेस्ट लोहा, मतलब जिस लोहे का यूज नहीं हो रहा था वही लोहा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या हुआ, पड़ा हुआ था प्लांट में, तो यहाँ के जो उस समय बहुत अच्छे अधिकारी लोग थे, उनके माइंड में आइडिया है कि दिल्ली में, दिल्ली में कुछ अपन ऐसा कुछ बनाए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो पहले ये एक्चुअल में विश्व का सबसे बड़ा था, इससे थोड़ा सा बड़ा बन गया करके विश्व में नहीं, एशिया में आ गया है। अच्छा, एशिया में। इसका जो बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, महाभारत के एक अध्याय से लिया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो है हमारे कृष्ण जी हैं जो रथ को पकड़े हुए, रथ के पहिए को, और उस पार अगर आप देखेंगे तो वो अर्जुन जी हैं, और ये जो भीष्म पितामह रथ, इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये जो ऊपर में है वो भीष्म जी हैं, ठीक है। अच्छा, तो महाभारत के जो अध्याय से लिया गया उसमें यही है कॉन्सेप्ट की जो कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि आप भीष्म पितामह को मारो करके, इस मतलब पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। फिर अर्जुन जो बोलता है कि मैं नहीं मार सकता हूँ करके, तो फिर कृष्ण भगवान खुद स्वयं रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, तो उसको अर्जुन देखिए पकड़ा हुआ है, कृष्ण जी को पकड़े हुए हैं। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि आप मत मारिए, आपने बोला था कि आप हथियार नहीं उठाएंगे करके, तो इसलिए ऐसा है, तो इसके ऊपर है और बहुत बढ़िया है। और इस ये जो है ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया है, लेकिन इसको अभी थोड़ा हाईलाइट करने की जरूरत है, लोग आ रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके और इसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो संगवारी देखे हो, तुमन भी एक बार आओ देखे, वह दल्ली राजना में आता हूँ ना, ये चीज ला देखे बा, और ये दे सफेद वाला 2 ठन घोड़ा है, एक बारे में भाई है बताया है, मस्त देखे सुने, तो एक बार आओ देखे बा, बढ़िया से मस्त बढ़िया है भाई, और लोहा है पूरा भाई, है लोहा से बना है पूरा, देखा था। और कौन कौन आया है और यहाँ देखे बोला भी कमेंट करके बता रही हो। अभी मैं आ गए हैं रूम जहाँ रुके हैं वहाँ, ये तो कुछ है हरे, देखा था विधान काकर फोटो है चीन ले हो, तो पीछे धान देखा था कर फोटो है चीन ले, तो ये सब के बारे में ना सुबह बताऊँ मैं कहाँ रुके हूँ, कैसे और कौन संगठन में कहा है, ये सब चीज़ ला मैं आप मतलब सुबह बताऊँ। तो आज की वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो, और स्वागत है आप मन ला एक ठन और नवा जिला में, कहाँ बालोद, ये बालोद में आ गए हैं, तो स्वागत है एक ठन और नवा जिला में, बालोद जिला में, ये और हमार 8वां जिला है, छत्तीसगढ़ भ्रमण के 8वां जिला में आप मन ला स्वागत है। तो मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।